नामुमकिन को मुमकिन करना सिर्फ पीएम मोदी के बस की बात होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उप्र के हरदोई जिले में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही जनपद को मेडिकल कॉलेज का उपहार भी दिया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा व प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन भी मौजूद रहे। पुलवामा हमले के बाद भारतीय सैनिकों द्वारा पाकिस्तान में घुसकर बदला लेने पर मुख्यमंत्री योगी ने जवानों को सलाम करते हुए कहा, ऐसा जयकारा लगाओ कि कश्मीर में सैनिकों को सुनाई दे। हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हुए थे, हमने 400 से ज्यादा गद्दारों को मार कर जवाब दिया है। उन्होंने कहा, दुश्मनों को जवाब देना मोदी को मालूम है, नामुमकिन को मुमकिन करने का नाम मोदी है। उन्होंने कहा, किसी भी काम को करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, यह मजबूत इच्छा शक्ति सिर्फ नरेंद्र मोदी में है। हरदोई में मेडिकल कॉलेज के बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था, यहाँ पर भी इस काम को मोदी जी ने मुमकिन कर दिखाया है। जिस गरीब के पास रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने गैस कनेक्शन दिया, और जिसके पास बिजली कनेक्शन नहीं था, उसके पास बिजली पहुंची। योगी ने समाजवादी पार्टी सपा पर निशाना साधते हुए कहा, सपा के समय में सिर्फ 20,000 लोगों को आवास दिए गए थे, लेकिन सरकार बनने से अब तक हमने यहाँ 9 लाख परिवारों को आवास देने का काम किया है। अब बिजली कनेक्शन के लिए बिजली विभाग के चक्कर नहीं काटना पड़ता है। सपा बसपा की सरकार में बिजली कनेक्शन के लिए 15,200 रुपए की रिश्वत मांगी जाती थी, अब तो सब कुछ बदल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले सपा बसपा की सरकार होती थी तो जब नौकरी निकलती थी तो एक परिवार के लोग झोला लेकर निकलते थे। बागपत में एक ही गांव के 39 जवान पुलिस में भर्ती हुए। सपा बसपा की सरकार होती तो यह भर्ती नहीं हो पाती। मुख्यमंत्री ने कहा, कहीं भी मेडिकल कॉलेज बनना बड़ी बात है। बोले, मेडिकल कॉलेज का मतलब विशेषज्ञों की सुविधा को बढ़ावा मिलना। हर वर्ष यहाँ 100 से ज्यादा MBBS निकलेंगे, इससे हरदोई जिले को भी एक नई पहचान मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, आयुष्मान योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इससे पहले प्रदेश के 56,000 लोगों को आयुष्मान भारत के तहत लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की और इनका नाम इस योजना से जुड़वा दिया। आयुष्मान योजना के तहत उप्र में 32,000 लोगों का इलाज अब तक हो चुका है। जिनके पास इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए मोदी जी ने 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त कर दिया है।